हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे यूथ एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे अगले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मंजिले और भी है और मैं प्रीत खंडोर आप सभी ड्रीमर्स का ये मंजिले और भी है सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में जानने वाले हैं, वो कम सैचुरेटेड है और साथ में यूनिक भी, वो है डेयरी टेक्नोलॉजी। हम जानेंगे इस फील्ड के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अभ्यास कर सकते हैं, इसमें स्टडी करने के लिए कितने परसेंटेज की आवश्यकता रहती है, वो करने के बाद कौन कौन से स्कोप है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कोर्स प्रोवाइड करती है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, यह सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, डेयरी टेक्नोलॉजी है क्या? मिल्क यानी कि दूध और उसकी प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी, वो मेनली प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। डेयरी टेक्नोलॉजी चार पिलर्स पर बेस्ड है। उसका फर्स्ट पिलर है टेक्नोलॉजी, जैसे कि मिल्क की प्रोडक्ट्स, फ्लेवर्ड मिल्क, कर्ड, स्वीट्स, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम्स, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, वो कैसे बनते हैं, बनते वक्त एनवायरनमेंट कंडीशन कौन सी रखनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, कम से कम वेस्टेज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पाया जाए, इसका स्टडी होता है। इसका सेकेंड पिलर है इंजीनियरिंग। डेयरी प्लांट कैसे लगाया जाता है, कौन कौन सी मशीनरी उसमें लगाई जाती है, कैसे मशीनरी से मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सकता है, इसका स्टडी डेयरी टेक्नोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों, थर्ड पिलर है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। हम सभी लोग जानते हैं कि मिल्क की सेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है, तो मिल्क की और उसकी प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम मिल्क प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खाने लायक रख सकते हैं, वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो चौथा पिलर से डेयरी मैनेजमेंट। डेयरी प्लांट को सही तरह से चलाने के लिए कौन कौन सी मैनेजमेंट स्किल आवश्यक रहती है, यह सभी इसमें सिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये बात हुई कि डेयरी टेक्नोलॉजी के चार पिलर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी और मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो दोस्तों, 12th साइंस में जिसके 50 और 60% आए हैं, वो लोग भी डेयरी टेक्नोलॉजी का अभ्यास कर सकते हैं, पर 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि ए ग्रुप जिसने रखा हो, वो लोग यह कोर्स कर सकते हैं। पर दोस्तों, कई कॉलेजेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि बी ग्रुप के स्टूडेंट को भी एडमिशन देती है, वो आप गूगल में से और कॉलेज की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। कौन कौन सी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ यह कोर्स प्रोवाइड करती है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, यह कोर्स करने के बाद कौन कौन से स्कोप है, आप प्लांट का मतलब डेयरी प्लांट का सुपरविजन कर सकते हो, प्लांट में क्या चल रहा है, प्लांट की जो भी ऑपरेशन है वो सही तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, प्लांट का मैनेजमेंट कर सकते हो, आप लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग डिपार्टमेंट रहता है उसका भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो, मिल्क प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, डेयरी इक्विपमेंट का आप मेंटेनेंस कर सकते हो, और आप डेयरी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होने के बाद आप डेयरी कंसल्टेंट बन सकते हो, डेयरी साइंटिस्ट बन सकते हो, और आप एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आप काम कर सकते हो, और डेयरी मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर भी आप काम कर सकते हो। इस फील्ड में आप कहाँ कौन कौन सी जगह पर आप काम कर सकते हो, आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम कर सकते हो, आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप मिल्क प्लांट में काम कर सकते हो, आप डेयरी में काम कर सकते हो, आप कैटल ब्रीडिंग सेंटर यानी कि पशुपालन सेंटर में काम कर सकते हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड करती है उसमें लेक्चरर की पोस्ट पर आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको पता है इंडिया इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द एंटायर ग्लोब। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, और इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे महत्व का योगदान ये डेयरी टेक्नोलॉजी का है। इंडिया में तकरीबन 1500 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड डेयरी प्लांट है, और पर डे वो 140 मिलियन लीटर ऑफ मिल्क
प्रोड्यूस करता है। 180 डेयरी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। उसके सामने हर साल 750 ही डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट निकलते हैं। तो हमें इस नंबर से पता चलता है कि इस फील्ड की कितनी डिमांड है, उसके सामने डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट का सप्लाई कितना कम है। दोस्तों, जिन लोगों को साइंस में स्पेशली केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पसंद है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पसंद है, कोई भी चीज़ का प्रोसेसिंग कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कोई भी चीज़ कैसे बनती है, वो सभी चीज़ों में जिसको इंटरेस्ट है, तो दोस्तों डेयरी टेक्नोलॉजी उनके लिए है। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे करियर ऑप्शंस जानने के लिए आप मेरे यूथ एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर आप यह वीडियोस को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से वो लोग भी एक क्रिएटिव करियर की दिशा में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कम परसेंट आए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मंजिलें और भी हैं।